साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप देख रहे हैं स्मार्ट रिविजन का क्लास। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्मार्ट रिविजन। आज का पहला सवाल हम देखेंगे, मूर्तिकार राम छाटपार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कास्ट मूर्तिकला के लिए, धातु ढलाई के लिए, प्रस्तर उत्कीर्ण के लिए या नव मीडिया के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तर उत्कीर्ण। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं या जो लोग थ्योरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616826746 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर भी, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, नोट्स को बुक कर सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बेहोश कला संस्था कब स्थापित हुई? बेहोश कला संस्था कब स्थापित हुई? ऑप्शन ये है 1919 में, ऑप्शन बी है 1950 में इटली में, 1940 में फ्रांस में, 1921 में पेरिस में। तो आपको दो बात यहाँ पर याद रखना है, एक तो किस देश में हुआ और कब हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, नहीं पता है तो उसको ध्यान से सुन करके याद कर लिया करिए। बेहोश कला संस्था जर्मनी में 1919 में स्थापित हुई। आगे देखेंगे, ब्लो राइडर ये क्या है? म्यूनिख में कांडस्की द्वारा स्थापित एक कलाकार मंडल है, रंग की आच्छादक शक्ति है, पुराने वर्णिश किए हुए तैलचित्र हैं या नव विचारों के हेतु वार्षिक पत्रिका है? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा, म्यूनिख में कांडस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बॉडी कलर होता है, बॉडी कलर होता है सफ़ेद रंग मिला गाढ़ा रंग, काला रंग मिला गाढ़ा रंग, नीला व काला रंग मिला गाढ़ा रंग, भूरा रंग मिश्रित गाढ़ा रंग। तो बॉडी कलर किससे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग मिला हुआ गाढ़ा रंग। ठीक है ना। आगे देखते हैं, काफ़ी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया? काफ़ी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया? ब्राक ने, धूसा ने, बेदचेली ने या रेम्ब्रा ने? काफ़ी की चक्की इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। काफ़ी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्सेल धूसा ने। आगे देखते हैं, फ्रेस्को ब्यूनो ये क्या है? गीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण, सूखे पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण, तैल रंग की सहायता से कैनवास पर किया गया चित्रण, एक्रिलिक से किया गया चित्रण। आपको बताना है कि फ्रेस्को ब्यूनो क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, गीले पलस्तर में किया गया भित्ति चित्रण। ठीक है ना। जब गीले पलस्तर पर भित्ति चित्रण किया जाता है तो उसको फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है। आगे देखते हैं, सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर, इटली के राजप्रसादों के दीवारों पर, बर्तन भांडों गुलदस्तों पर, गिरजाघरों की दीवारों पर? सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने, चित्र के नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र का प्रमुख विषय क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नारी, घोड़े, पक्षी या जनजाति? 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, नारी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नारी केंद्रित विषयों के चित्र ज़्यादा बनाए हैं। आगे देखेंगे, कोलाज, कोलाज क्या है? ऑप्शन ये है, कागज इत्यादि को चित्र भूमि पर चिपका करके बनाई गई कलाकृति। ऑप्शन बी है, खाने के पैकेट पर शीशियों से बनाई गई कलाकृति। ऑप्शन सी है, चमड़े पर रेखांकन करके बनाई गई कलाकृति। ऑप्शन डी है, कोयला व लाजवर्दी से बनाई गई कलाकृति। अभी बहुत ही सिंपल है, कोलाज क्या है? ये कागज़ से चिपका करके बनाई गई जो है चित्र भवन पर चिपका करके बनाई गई कलाकृति होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एना कास्टिंग है मोम में रंग मिला करके रंगांकन पद्धति, तैल रंग में बुरादा मिला करके की गई चित्रकारी, भूमि से प्राप्त रंगों में मार्बल के साथ चित्रकारी, फूल पत्तियों के साथ चित्रकारी, एना कास्टिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मोम में रंग मिला करके रंगांकन की पद्धति। आगे देखेंगे, वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? तैल रंग से, जल रंग से,
एक्रिलिक रंग से या टेम्परा रंग से। अब आपको बताना है कि जो कपड़े आप पहनते हैं उस पर जो रंग होता है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई लाल है, उस पर कैसे रंग चढ़ाए जाते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है, यानी कि ये चित्र किसने बनाया। ब्रह्मचारियों द्वारा वधु का निर्वस्त्र करना, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मार्सल थोशा। आगे देखते हैं, इंटिको, इंटिको क्या है। दीवार पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत, चित्रण निर्माण का अंतिम रेखांकन, गीले पलस्तर पर रंगांकन करने की पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। इंटिको क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दीवार पर चढ़ाई पलस्तर की अंतिम परत, ठीक है ना, तो इसको इंटिको बोलते हैं। आगे देखेंगे, वुड कट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है। चित्रकला, छापा कला, पुष्प संयोजन या पॉटरी। वुड कट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छापा कला। वुड कट किया क्यों जाता है, छापने के लिए किया जाता है ताकि जैसे उसमें कुछ स्पेस बना दिए जाते हैं कि रंग उसमें भर जाए और उसको जो है किसी दूसरे चीज़ पर छाप दिया जाए, तो इसलिए जो वुड कट है उसका संबंध किससे है, छापा कला से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष वर्ण नहीं है, लाल, नारंगी, पीला या हरा। ऊष वर्ण कौन सा नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरा जो है ठंडा रंग होता है। आगे देखते हैं, टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या है, स्थलाकृति, छटा, अनुचित्रक या रूपांतरण। टोपोग्राफी क्या है, क्वेश्चन नंबर 96, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, स्थलाकृति। आगे देखेंगे, ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है चित्र की अनुकृति उतारने का कागज, परंपरागत कला में प्रयोग किए जाने वाला कागज, पारभाषी चित्रण, चित्र में चमक बढ़ाने का कागज। ट्रेसिंग पेपर क्या है, क्वेश्चन नंबर 97, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, चित्र की अनुकृति उतारने का कागज, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तान कहलाती है, तान कहलाती है रंग का हल्का या गहरापन, गाढ़े रंगों से चित्रण, तान छेड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तान क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, रंग का हल्का या गहरापन होना तान कहलाता है। आगे देखेंगे, सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है, सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है। मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में, भारत के हुमायूं के मकबरे में, इटली प्रदेश के एटस्कन मकबरे में, या मेसोपोटामिया के कुस्तुनतुनिया के मकबरे में। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मिस्र के हेराकोपोलिस मकबरे में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, टेराकोटा है, टेराकोटा है मृण मूर्ति, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ, काली मिट्टी, या इनमें से सभी। टेराकोटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 100, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मृण मूर्ति जो कि पकी हुई मिट्टी होती है, इसको टेराकोटा कहा जाता है। बंगाल का बांकुरा जिला प्रसिद्ध है किसके लिए, पटचित्रों के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए, या रेशमी कपड़ों के लिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का जो बांकुरा जिला है वो पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी, ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी 1961 में, 1967 में, 1963 में, या 1962 में। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1963 में। आगे देखते हैं, एमएफ हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, एमएफ हुसैन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, ज्यूरिख में, पेरिस में, नई दिल्ली में, या लंदन में। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ज्यूरिख में। आगे देखते हैं, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है, अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र किसका है। हस्ती जातक का, श्रावस्ती का चमत्कार, सुजाता की खीर, या बुद्ध का उपदेश। अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध का उपदेश। आगे देखते हैं, लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई थी, 1940 में, 1950 में, 1978 में, या 1879 में। तो लास्को की जो प्रागैतिहासिक गुफाएं, उनकी खोज कब हुई थी, ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, 1940 ईस्वी में। आगे देखते हैं, प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीकी में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया,
राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या डीपी राय चौधरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1908 में, 1907 में या 1919 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 में। आगे देखेंगे, स्पीकिंग स्ट्रीट किसकी रचना है? नागजी पटेल की, अंजलि इला मेनन की, गुलाम मोहम्मद शेख की या अमृता शेरगिल की? स्पीकिंग स्ट्रीट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है ना। आगे देखते हैं, फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदमगीति से या मध्यकालीन कला से? फ्रांको कैटाब्रियन क्षेत्र जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक कला से। आगे देखते हैं, हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? हाथों की छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है? मार्ले, गर्गास, लास्को या नियो? हाथे की छाप सबसे अधिक किस गुफा में स्थित है? 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्गाश। कृष्ण विथ डांसिंग काउज किसकी कृति है? ज्योति स्वरूप की, देव यानी कृष्ण की, परमजीत सिंह की या मंजीत बाबा की? क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंजीत बाबा। आगे देखते हैं, प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं? रंगों को सपाट भर करके, गीली दीवारों पर अंगुलियों से, चाक किससे रेखांकन करके या गेरू को चर्बी में मिला करके? तो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गीली दीवारों पर अंगुलियों से रेखांकन करके। ठीक है ना, 112 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु है लौकिक जीवन, मरणोपरांत जीवन, सौंदर्यपूर्ण जीवन, साधु संतों का जीवन? तो मिस्र की कला को मृत की कला भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, मरणोपरांत जीवन। आगे देखते हैं, स्फिंक्स क्या है? भवन है, मूर्ति है, वास्तु मूर्ति या स्मारक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वास्तु मूर्ति। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ है? बेबीलोन, उर, लगास या सूसा? तो मेसोपोटामिया का कौन सा शहर प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं? लगास में, एरदू में, केल्डिया में या बेबीलोन में? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेबीलोन में। ठीक है ना। करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने बनाया? M.F. हुसैन ने, ए रामचंद्रन ने, राघव कनेरिया ने या रवि वर्मा ने? क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.F. हुसैन ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी, बीसी सान्याल? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं, रामकिंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी ये तीनों जो है मूर्तिकार हैं, लेकिन बीसी सान्याल बहुत बड़े पेंटिंग आर्टिस्ट थे, ये मूर्तिकार नहीं थे। आगे देखते हैं, पीआर दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? कास्ट, प्रस्तर, कागज़ की लुगदी या मृतिका? क्वेश्चन नंबर 119 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृतिका। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ की किस कलाकृति को मास्टरपीस का दर्जा मिला है? शाहजहाँ इन हेज, डेथ बेड, राधा का अभिशार, अरेबियन नाइट श्रृंखला या लास्ट जर्नी? क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहाँ इन हिज डेथ बेड। ये क्या है? रवींद्रनाथ टैगोर का जो है मास्टरपीस है। क्या है? मास्टरपीस है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से छापाकार हैं? रिनी घुमाल, बिलास शिंदे, तपन घोष या उपरोक्त में से सभी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी जो हैं छापाकार हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? सर्वप्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद आपका। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? वाल्मीकि, सच्चिदानंद, पाणिन या वेदव्यास?
तो अष्टाध्यायी की रचना कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, पाणिनि। आगे देखते हैं और आज का आखिरी सवाल, रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसने बनाई थी? रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा के निर्माण का उल्लेख है, यह प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन ये है मय, ऑप्शन बी है असुर, ऑप्शन सी है नट और ऑप्शन डी है रूपलेखा। 125 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मय। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने आज 45 प्रश्न किए जो कि विविध हैं, समकालीन हैं, इसमें भारतीय कला इतिहास है, समकालीन कला पश्चिमी कला इतिहास है, तो इस प्रकार 45 प्रश्नों को आज हमने हल किया। इन प्रश्नों को देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये प्रश्न किस लेवल के हैं, क्या ये प्रश्न आपको ठीक लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और आपके कितने सही हुए इन 45 में ये भी लिख करके ज़रूर बताना, और आखिर में गुरुदक्षिणा के रूप में आप सबको लाइक करना है और शेयर करना है। जिन लोगों को फुल नोट्स मेरा बुक करना है वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616826746 पर, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बार में अगर रिप्लाई नहीं होता फिर भी आप दोबारा कर लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या जिनको थ्योरी की क्लास ज्वाइन करनी है वो भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद।